नमस्कार, मैं प्रज्ञा, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का निकला रिजल्ट, डेंगू का प्रकोप, व्यवस्था में जुटी सरकार, थानेदार व ओपी प्रभारी का हुआ तबादला, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के फेर में छात्रा की मुसीबत, भारत ने वार्म अप मैच में दर्ज की शानदार जीत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसपी के ठिकानों पर एसवीयू की रेड, बिहार सरकार की स्वतंत्र एजेंसी एसवीयू ने पूर्णिया के एसपी दया शंकर के कई ठिकाने पर एक साथ रेड किया है। आईपीएस दया शंकर के यहां आय से अधिक 71,42,000 रुपए के सबूत मिले हैं। एसवीयू ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद कार्रवाई किया है। बता दें कि दया शंकर 2016 बैच में आईपीएस अफसर है। इनका पदस्थापन विवादित रहा है और लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही है। एसवीयू में मिल रही शिकायतें के बाद एडीजी नैयर हसनैन खान ने एक जांच टीम गठित किया था। जांच में यह पुष्टि हुई कि आईपीएस दया शंकर ने कई चल अचल संपत्ति बनाया है जो इनके आय स्रोत से अधिक है। एसवीयू की कार्रवाई के बाद भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों में हलचल हो गया है। संजय यादव से फिर होगी पूछताछ, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी सचिव संजय यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने संजय यादव को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि यह मामला जमीन के बदले नौकरी का है। इससे पहले भी सीबीआई संजय से बीते शनिवार को पूछताछ कर चुकी है, वहीं अब एक बार फिर इन्हें बुधवार को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। बता दें कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, तब लालू रेल मंत्री थे। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार उस दौरान मध्य रेल के जीएम व अन्य अधिकारियों ने लोगों से सस्ती दर पर जमीनें ली और बदले में रेलवे की नौकरी दी। सीबीआई ने बीते 7 अक्टूबर को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण को किया याद। आज यानी कि मंगलवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर राजधानी पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। इस दौरान वित्त मंत्री विजय चौधरी, मंत्री शीला मंडल और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी मौजूद थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए कहा, हम लोग जेपी के सिद्धांत को ही मानते हैं, जो उनकी इच्छा थी उसको लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब तक जीवित थे तब तक उनको भूल नहीं सकते हैं। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के फेर में छात्रा की मुसीबत, मिस वर्ल्ड रह चुकी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती बीबीएमकेयू की छात्रा के लिए मुसीबत हो गई है। दरअसल धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की पीजी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से होने वाली है। इसमें विश्वविद्यालय की छात्रा काजल कुमारी के अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में होनी है। इसके लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। जब छात्रा ने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाला तो उसके होश उड़ गए। उसके एडमिट कार्ड पर ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटो है, हस्ताक्षर भी उसके नहीं है। ऐसे में उसके परीक्षा देने पर रोक लगने का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर छात्रा ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई से भी गुहार लगाई है। बिहार में अगले 48 घंटे तक बारिश के आसार, बिहार में अगले 48 घंटे तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। दक्षिण बिहार में उत्तरी बिहार की तुलना में अधिक बारिश होने के आसार हैं। दरअसल बिहार में मंगलवार से एक ट्रफ लाइन गुजरेगी, इसकी वजह से बिहार में बारिश होने की संभावना बन रही है। आईएमडी के मुताबिक बारिश का यह स्पेशल 11 और 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बिहार में चलते रहने की संभावना है। हालांकि आईएमडी का लंबी समयावधि का पूर्वानुमान बताता है कि बिहार में पूरे अक्टूबर महीने में बारिश होती रहेगी। फिलहाल बीते रविवार की रात से बिहार में एक बार फिर मॉनसून नए सिरे से सक्रिय हो गया है। आईएमडी पटना के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आशीष कुमार का कहना है कि एक विशेष पट्टी में आसमान में असामान्य बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म गतिविधि बढ़ी है। डेंगू का प्रकोप, व्यवस्था में जुटी सरकार, बिहार में डेंगू का तेजी से प्रसार हो रहा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने डेंगू की जांच के लिए अस्पतालों में पर्याप्त किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने और अनुमंडल से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बेड बढ़ाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों व सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अधीक्षकों, नगर आयुक्तों व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों से बात की और डेंगू के इलाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। इसके साथ ही पीएमसीएच में 100 बेड व शेष सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50-50 बेड, जिला अस्पतालों में 10-10 बेड व अनुमंडलीय अस्पतालों में 5-5 बेड आरक्षित करने को कहा गया है।
थानेदार व ओबी प्रभारी का हुआ तबादला। मोकामा विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर 3 साल एक ही थाने में ओबी व जमे पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो ने 4 थानेदार व ओबी प्रभारी को बदल दिया। थाना अध्यक्ष घोसवारी संजीव, भदौर के थाना प्रभारी निवास कुमार, पंचमाला ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार और मरांची थानेदार अनिल कुमार को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनकी जगह नए पुलिस अधिकारियों को थाने की कमान सौंप दी गई है। अनिरुद्ध कुमार को घोसवारी थाना, रामानुज को भदौर, संजय कुमार सिंह को पंचमाला ओपी प्रभारी और साकेत कुमार को मरांची थाने का प्रभारी बनाया गया है। लालू यादव के साथ सिंगापुर जाएगी सेवकों की टीम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने इलाज के लिए आज यानी कि मंगलवार को सिंगापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान सिंगापुर जाने के लिए लालू प्रसाद के दल में करीब आधा दर्जन लोग शामिल हैं। इस दल में लालू प्रसाद के रिश्तेदार और राजद के नेता भी शामिल हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके साले सुभाष यादव और राजद नेता विधान पार्षद सुनील सिंह भी सिंगापुर जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि लालू प्रसाद अपने साथ दोनों में से किसी बेटे को सिंगापुर नहीं ले जा रहे हैं। एक बेटी रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर में ही रहती है। दिल्ली से उनके साथ मीशा भारती जा रही है। वहीं उनके साथ उनके दो सेवक भी जा रहे हैं जिनमें एक भोला यादव के सिंगापुर जाने की सूचना है। करोड़ों के गबन मामले में प्रधान डाकघर के अंदर रेड। हेड पोस्ट ऑफिस सहरसा व हेड पोस्ट ऑफिस सुपौल से हुए लगभग 3.20 करोड़ की राशि के गबन को लेकर सोमवार की शाम सीबीआई की टीम ने हेड पोस्ट ऑफिस पहुंचकर जांच की। इस दौरान अधिकारी विभिन्न कागजातों की जांच कर रहे हैं। वहीं मंगलवार यानी कि आज भी सीबीआई की टीम जांच करेगी। बता दें कि गबन को लेकर पोस्टमास्टर जनरल पटना सर्कल ने पूर्व में इसकी जांच को लेकर सीबीआई को पत्र भेजा था। उसी के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। गबन की जांच तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल अदनान अहमद द्वारा फरवरी माह में की गई थी। इसमें 3.20 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का मामला उजागर हुआ था। जांच के दौरान सहरसा हेड पोस्ट ऑफिस से 1.90 करोड़ व सुपौल हेड पोस्ट ऑफिस से 1.30 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का मामला उजागर हुआ था। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का निकला रिजल्ट। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम रिजल्ट बीपीएससी ने बीते दिन सोमवार को जारी कर दिया। इसमें 214 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। रांची की भावना नंदा को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सागर एमपी के दिव्यांशु गुप्ता दूसरे और मधुबनी के राघव तीसरे स्थान पर रहे हैं। महिलाओं का टॉपर्स में दबदबा रहा है और शुरुआती 5 टॉपर्स में 3 महिलाएं जबकि टॉप 10 में 4 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि 22 अगस्त से 6 सितंबर तक हुए साक्षात्कार में 688 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें कुल 221 रिक्तियों के विरुद्ध 214 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किया गया है। इन सभी के सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होगी। राजद में अब लालू तेजस्वी ही होंगे सर्वे सर्वा। जगदानंद का इस्तीफा और तेज के बागेश्वर को देखते हुए लालू प्रसाद ने राजद के संविधान में ही बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव को बड़े अधिकार दे दिए गए हैं, जिसमें तेजस्वी के पास इस बात का अधिकार होगा कि राजद का नाम और सिंबल बदल सकेंगे। इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के बाद अब पार्टी का नाम राजद या चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय लालू यादव या तेजस्वी यादव लेंगे। इस आशय का संविधान संशोधन प्रस्ताव बीते दिन सोमवार को दिल्ली में आयोजित राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित कराया गया। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के संविधान एवं नियम के धारा 35 के अंतर्गत संविधान में परिवर्तन करने के अधिकार के तहत पार्टी संविधान के नियम की धारा 30 में जोड़ने यानी संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। अमित शाह के दौरे पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का बयान। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी मंगलवार को सितापदियारा आ रहे हैं। इसे लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, अमित शाह के दौरे से बिहार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जेपी के आदर्श और उनके सपनों को हमारे नेता नीतीश कुमार ने ही जमीन पर उतारा है। उमेश कुशवाहा ने यहां तक कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता जान चुकी है, इनका खेल अब खत्म है। 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और लाल किले पर महागठबंधन के नेता ही तिरंगा फहराएंगे। बिहार दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज यानी मंगलवार को पटना पहुंचे हैं। यहां वो कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के डेलीगेट से मुलाकात करते नजर आए और अपने पक्ष में वोट की अपील भी की है। इस दौरान बिहार कांग्रेस के सभी डेलीगेट सदाकत आश्रम में मौजूद रहे। डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि पहली बार कांग्रेस को ऐसा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार मिला है जो कि अपने निजी जीवन में 50 साल से भी ज्यादा कांग्रेस
का साथ दिया है और पार्टी नहीं है विभिन्न पदों रहने का मौका भी दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के जितने भी डेलीगेट्स हैं उसका वोट 100% मल्लिकार्जुन खड़गे को जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस के 597 डेलीगेट्स हैं और सभी डेलीगेट्स आज मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो सभा की गई थी उसमें मौजूद रहे। भारत ने वार्म अप मैच में दर्ज की शानदार जीत। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले वार्म अप मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 को 13 रन से हराकर शानदार आगाज किया है। सोमवार को खेले गए मैच में भारतीय टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के सामने जीत के लिए 159 रन का लक्ष्य रखा था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 की टीम सिर्फ 145 रन ही बना सकी। इस मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के साथ 39 रन की साझेदारी की। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंद में 52 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के भी लगाए। वहीं अर्शदीप ने भारत के लिए खड़ बरपा दिया। अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 6 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए। पेट्रोल डीजल के नए दाम हुए जारी। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई है। आज बिहार के कई जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं तो कुछ जिलों में तेल सस्ता भी किया गया है। पेट्रोल में 0.06 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 0.06 पैसे प्रति लीटर का उछाल आया है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए में बिक रहा है। बता दें कि पूर्णिया में पेट्रोल के भाव में 60 पैसे और डीजल में 56 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई। इसके अलावा औरंगाबाद, आरा, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, बिहार शरीफ, लखीसराय, सहरसा, छपरा, सिवान, सीतामढ़ी, सुपौल, हाजीपुर और बेतिया में भी तेल की रेट घटी है। हालांकि भागलपुर में पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 4 पैसे और डीजल 5 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, प्रिंस कुमार, कुश कुमार यादव, सदुल्लाह पलवी, राकेश शर्मा, सचिन कुमार, विजेंद्र सिंह, रंजीत कुमार ठाकुर, उमेश ऋषिदेव, अबिद मंसूरी, रवि कुमार यादव, सुफोन कुमार, विपुल कुमार यादव, अहमद रुस्ती, केके सिन्हा, विद्या सागर यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, डेंगू से बचाव के लिए आप क्या क्या तरीका अपना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।